वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज हमारे लिए उन सब के लिए उन भारतवासी के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस है, 74 ईयर्स हो गया। सो आज बहुत ही हैप्पी हूँ एंड उन जवानों के लिए मेरी तरफ से एक सैल्यूट है। सो गाइस आज हमारे इस वीडियो का विषय है हम इंडिपेंडेंस डे पर घर पर कैसे रहते हैं। अब तो लॉकडाउन है तो हम बाहर भी जा नहीं सकते, सो हम घर पे ही छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। सो इसके लिए आप लोग तैयार है एंड गाइस मैं सुबह से लेकर रात तक 24/7 करूँगी ये ब्लॉग। सो इस ब्लॉग के लिए मैंने ना एक चीज़ बनाई है, ये आप तो देख सकते हैं, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था बनाने के लिए। सो मैंने ये हमारे भाषा में तो सूता कहते हैं, ये मैं सूता ही बोलूँगी, ये सुतली से मैंने एक रिबन बैंड बनाया है। और ये जो कलर है ना ऑरेंज कलर, ये एग्जैक्टली ऑरेंज तो नहीं है लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं इसी से बनाया, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे लगाऊंगी एंड लगाने से पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा से पूरा देखना एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड पहले वीडियो जो मैंने ये हेयर कट किया था उस पर रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं आया, सो प्लीज़ आप लोगों के लिए मैं इतने कष्ट करके ब्लॉग्स बनाती हूँ। ब्लॉग्स अब तक तो ज़्यादा नहीं बनाया लेकिन अच्छा रिस्पांस आया तो मैं और भी अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी एंड बाहर जाकर भी बनाऊंगी लेकिन कोरोना ख़त्म होने के बाद। और आप लोग प्लीज़ घर पे रहिएगा एंड स्टे सेफ एंड आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते। अभी मैं उठ चुकी हूँ, आप लोग मेरे पीछे मच्छरदानी भी देख सकते हैं एंड तकरीबन अभी 9 बजे शायद मैं उठी हूँ। पहले मतलब 15 अगस्त को तो मैं तकरीबन 7-8 बजे उठ जाती हूँ लेकिन सैटरडे संडे को मैं 9-10 बजे उठती हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो ऐसा मतलब हमारे यहाँ पे भी झंडा लहराना होता है लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा तो मैंने 9 बजे ही उठी हूँ। ओके मैं फ्रेश हो लूँ, मुझे बहुत फिर से ऐसा लगा मैं फिर से सो जाऊँ लेकिन नहीं होगा, मम्मी डांटेंगी। सो मैं फ्रेश होकर आप लोग के पास फिर आती हूँ। ओके बाय। Two thousand years later. मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ एंड मुझे अभी बर्तन धोना है। जी हाँ मैं बर्तन धो के एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी बर्तन धोती हूँ। आइए मेरी बर्तन। गाइस सो मैंने सारे काम कर लिया, बर्तन धोना या घर की मरम्मत जो भी है और कर लिया मैंने एंड मैं बहुत थक गई, मेरे मुँह से पता नहीं चलता मैं कितनी थकी हूँ या नहीं। सो मुझे बहुत भूख लगी है, बेसिकली मैं अब ब्रेकफास्ट करूँगी लेकिन अभी 12 तो टोटल बच गए हैं, इसे ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे। सो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं खा लूँ पहले एंड मैंने बनाया है 2 मिनट वाली मैगी, सॉस एंड ग्रीन चिली भी डाला है, बहुत भूख लगी है मुझे। सो मैं इसे अब खाऊँगी, सब देखते रहिए। मैं पूरी नहीं खाऊंगी, मैं मम्मी को आदत दे दूंगी क्योंकि मैं मैगी इतनी मेरी फेवरेट नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती। तो ओके बाय एंड हम दोपहर को मिलेंगे खाने खाने के साथ। 2 hours later. Hey guys, तो हम फिर से आ गए एंड अब हम लेके आए खाना हमारे लिए। सो ऐसे करके दिखाने से गिर जाएगा। सो हमने लिया है राइस एंड करेला, ये करेला है एंड ये है हमारे में कुमर कहते हैं, इसे हमको नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। और ये सरसों से बना है, सरसों से, और इसे हम चावता कहते हैं और हिंदी में भी हमें नहीं पता ये क्या है, क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, सरसों से बना है, बहुत टेस्टी होता है ये। और ये है पनीर, वो आप लोगों को पता है पनीर का झोल बनाया है एंड ये है ग्रीन चिली एंड आप लोगों को मैं आज बता दूँ आज एकादशी है एंड एकादशी में हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन आज हम लोग मतलब इंडिपेंडेंस डे है एंड मैंने सोचा आज ब्लॉग भी बना रही हूँ तो खाने के बिना तो ब्लॉग अधूरा है, इसलिए हमने सोचा आज खा लेती हूँ फिर से एकादशी पालन करूँगी, इसलिए हम लहसुन प्याज मीट फिश ये सब नहीं खाते हैं। सो हम वेजिटेरियन हैं इसलिए हम ऐसे वाला खाना खाएँगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो एंड हम लोग खाना शुरू करते हैं। एंड मेरी मम्मी भी खाना खा रही है,
बहुत टेस्टी है गाइस। बहुत टेस्टी, मुझे ना ऐसे ऐसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा उठाऊँ उठा अगर मुझे खाना खाना आता नहीं है फिर भी आज थोड़ा तो करना पड़ेगा ही क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोच लिया था आज मेरे खाने पे कुछ हरा होगा या ऑरेंज कलर थोड़ा भी होगा तो शायद चलेगा, लेकिन मैं सुबह के नाश्ते में नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे व्हाइट वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पे व्हाइट भी है और ग्रीन चिली भी है एंड ऑरेंज भी है। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी ये बहुत खट्टा है। मैंने आधा फिनिश कर दिया और मैं खाती नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे खाने के बाद फिर से आऊँगी एंड क्या करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी एंड मैं अभी खा लेती हूँ। टाटा। मैं सोने वाली हूँ, मैं रात के खाना नहीं खाऊंगी, बस मैं चाय पीऊँगी, बहुत गर्म है ना, चाय पीऊँगी जस्ट। एंड आप लोगों को मैं दो लोगों से मिलाने वाली हूँ बाद में, मेरी मम्मी उधर चाय पी रही है एंड ना छोटा सा बेबी एक है गोपाल, हमारे घर पे है गोपाल है, वो भी खाना खा रहे हैं मतलब भूख लगा है उसको, सो बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी एंड चाय पी लूँ। तो अभी मैं ब्लॉग खत्म कर रही हूँ एंड मम्मी एंड गोपाल को मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी एंड अभी के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टाटा।